जिला आपदा विभाग और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में एचपीसीएल बॉटलिंग प्लांट गीडा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य कारखानों और जिला व तहसील प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करना और किसी भी आकस्मिक स्थिति में एक दूसरे को सहयोग करने की क्षमता का आकलन करना था। मॉक ड्रिल में एचपीसीएल, आईओसीएल, आईजीएल और अन्य संचालक कारखानों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल की शुरुआत एचपीसीएल द्वारा तहसील और जिला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ईओसी को फैक्ट्री के अंदर रिसाव होने की सूचना देने से हुई। सूचना प्राप्त होते ही ईओसी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग को अलर्ट किया और घटना स्थल पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया। उप जिलाधिकारी सहजनवा ने यातायात को बाधित करने और राहत एजेंसियों को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। तहसील प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से आईटीएम गीडा और मुरारी इंटर कॉलेज में राहत केंद्र स्थापित किए गए और चिकित्सा दलों को तैनात किया गया। घटना स्थल पर एनडीआरएफ और अग्निशमन विभाग ने मोर्चा लिया और प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया। इसी दौरान सूचना दी गई कि फैक्ट्री के बाहर मुख्य मार्ग पर एक टैंकर में आग लग गई है, जिस पर अग्निशमन विभाग ने तत्काल काबू पा लिया। मॉक ड्रिल समाप्ति के बाद एग्जिट मीटिंग में कमियों और सुधार के लिए सुझावों पर चर्चा की गई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि टैंकरों को सड़क के किनारे नहीं खड़ा किया जाएगा, फैक्ट्री के कर्मचारियों और ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जाएगा और फैक्ट्री के पास उपलब्ध बचाव उपकरणों की जानकारी सीएचसी पीएचसी सहजनवा एवं पिपरौली को उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सहजनवा कुंवर सचिन सिंह व एनडीआरएफ के कमांडेंट संतोष कुमार ने कहा, हम लोगों ने ऑफ साइट जो है डिजास्टर के लिए जो है एचपीसीएल के सामने एक गैस के टैंकर में एक बाइक का हम लोगों ने भिड़ंत सोचते हुए एक मॉक ड्रिल आयोजित किया था, जिसमें सभी कंपनियों के लोग भी आए और जिनके पास जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी पर्सनल थे, और जिला प्रशासन की तरफ से भी, पुलिस के प्रशासन तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सबका कन्वर्जेंस होके हम लोगों ने एक रेस्क्यू प्लान पूरा फायर फाइटिंग से लेके रेस्क्यू तक का हर चीज़ ऑर्गेनाइज कराया। इस तरह के मॉक ड्रिल अक्सर कराना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक होता है, जिससे जिस समय भगवान ना करे कोई असली घटना इस तरह से हो जाए तो हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहे। मॉक ड्रिल के माध्यम से हमें पता चला कि हम लोग तैयार हैं, कन्वर्जेंस भी हमारा अच्छा हो जा रहा है, सारे विभाग के लोग और सारी कंपनियों के लोग भी तुरंत आ जा रहे हैं और इस तरह का हमारा प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर के लिए पूरी तरह से चुस्त है। देखिए, एचपीसीएल में आज ऑफ साइड मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें मेन उद्देश्य था कि जो भी एजेंसी है यहाँ पे गोरखपुर में अवेलेबल एजेंसी है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में किसी भी जो ऑफसाइड आपदा होती है सो कैसे टैकल करती है। तो इसमें देखा गया कि जो भी यहाँ अगल बगल की इंडस्ट्री है, जैसे एचपीसीएल है, आईजीएल है और दूसरी आईओसीएल की टीमें थी, यहाँ पे आई थी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस डिपार्टमेंट की टीमें आई थी और सबके कोऑर्डिनेशन से इसको एलपीजी टैंकर में जो एक लीकेज हुआ था एक्सीडेंट के कारण, उसको टैकल किया गया। इसमें देखा गया कि बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन्होंने ट्रैफिक को भी बंद कराया, दूसरे जो फायर इमरजेंसी व्हीकल है उनको आने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी प्रोवाइड किया और सभी एजेंसियों के साथ मिलकर तालमेल बनाकर इसको हादसे को कंट्रोल कर लिया। तो ये एक मॉक साइज बहुत अच्छा है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं अगल बगल के फैक्ट्रीज में डिस्ट्रिक्ट के पास, उसका आजकल आकलन किया गया है और साथ ही ऐसा मॉक ड्रिल से हमारी अपनी क्षमता को परखने का मौका मिला और आगे भी ये मॉक ड्रिल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से चलती रहेगी।